नित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद। ४३ ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि संकलित थे। गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञेय। इनमें से अधिकांश प्रगतिवादी थे। उस समय अज्ञेय भी समाजवादी विचारधारा से अपने को जोड़ते थे। यद्यपि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संदेहवाद, वैज्ञानिक उपलब्धियों से ज्ञात विराट के सम्मुख मनुष्य की नगण्यता आदि का बोध कम से कम अज्ञेय की कविताओं में मिलने लगता है। इन कवियों को संपादक ने राहों के अन्वेषी कहा, लेकिन कुल मिलाकर तार सप्तक प्रगतिशील चेतना की कविताओं का संकलन है। तार सप्तक में संकलित अज्ञेय की कविताओं में पाया जाने वाला मोहभंग हिंदी में प्रयोगवादी कविता का आधार है। अज्ञेय ने तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था और यह भी कहा था कि ये कवि प्रयोग कर रहे हैं। लोगों ने अज्ञेय के प्रयोग शब्द को पकड़कर मोहभंग की उभरती हुई इस काव्य प्रवृत्ति को प्रयोगवाद की संज्ञा दी। इसमें अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि कवियों को परिणित किया जाता है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां। यह मोहभंग की कविता है। इन कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। आदर्श के स्थान पर यह काव्यधारा यथार्थ में निहित व्यंग्य और विद्रूप को अधिक प्रकट करती है। प्रयोगवाद की काव्यशैली में कोष्ठकों, उपवाक्यों का प्रयोग खुलकर किया जाता है। ये कवि किसी बनी बनाई लीक पर चलने के बजाय संवेदना और शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग करने में अधिक विश्वास करते हैं। इस कार्यक्रम में याद रखने योग्य बातें।
1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि संकलित थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम विलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञेय। इनमें से अधिकांश प्रगतिवादी थे। कुल मिलाकर तार सप्तक प्रगतिशील चेतना की कविताओं का संकलन है। तार सप्तक में संकलित अज्ञेय की कविताओं में पाया जाने वाला मोहभंग हिंदी में प्रयोगवादी कविता का आधार है। अज्ञेय ने तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था और ये भी कहा था कि ये कवि प्रयोग कर रहे हैं। लोगों ने अज्ञेय के प्रयोग शब्द को पकड़कर मोहभंग की उभरती हुई इस काव्य प्रवृत्ति को प्रयोगवाद की संज्ञा दी। इसमें अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि कवियों को परिणित किया जाता है। यह मोहभंग की कविता है। इन कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। आदर्श के स्थान पर यह काव्यधारा यथार्थ में निहित व्यंग्य और विद्रूप को अधिक प्रकट करती है। प्रयोगवाद की काव्य शैली में कोष्ठकों, उपवाक्यों का प्रयोग खुलकर किया जाता है। आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम, आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी, वाचन स्वर दीपक शर्मा और भावना चौधरी, कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।